करनाल के पुराने बस स्टैंड पर प्राइवेट बस और हरियाणा रोडवेज के बस चालकों में झगड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि बस समय की सारणी को लेकर झगड़ा हो गया है। हरियाणा रोडवेज बस के चालक ने बताया कि प्राइवेट बस चालक उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनके समय पर प्राइवेट बस लगाकर गुंडागर्दी करने पर उतारू है। आज भी ऐसा ही हुआ है। समय सारणी के हिसाब से हरियाणा रोडवेज की बस का समय सवारियों को ले जाने का था, उसी समय पर प्राइवेट बस चालक ने अपनी बस वहां लगा दी, जिससे लड़ाई झगड़े के आसार बन गए। हरियाणा रोडवेज बस चालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट बस चालक ने शराब के नशे में आकर मारपीट और बदतमीजी की है, जिससे सभी सरकारी बस चालकों में रोष व्याप्त है। वहीं सरकारी बस चालकों द्वारा चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक प्राइवेट बस चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो वह बस नहीं चलने देंगे। यहां हम आपको बता दें कि प्राइवेट बस चालक एवं हरियाणा रोडवेज बस चालकों के बीच बस समय सारिणी को लेकर पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं, जिससे बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपका मेरा नाम संदीप है जी। क्या कुछ हुआ था? ऐसे अजीब उगालियाँ दे रहे थे, मैं बस में आगे बैठा था, ये बस चलाने लगे फिर भी उगालियाँ नहीं बंद हुई। उसके बावजूद ड्राइवर वाली साइड से खिड़की खोल ली, ड्राइवर को नीचे खींचा, चलती बस में से सवारियों को भी कुछ हो सकता था, मतलब ऐसा कुछ करके फिर नीचे झगड़ा हुआ जी इनका, गालियाँ देने से नहीं बंद हो। तो कौन थे वो, किनके साथ? प्राइवेट वाला ही था जी, जो भी थे। तो आपने क्या कुछ देखा उसमें? कोई बस चलती बस से खींचा था? हाँ जी, बस काउंटर से निकल रही थी जी। तो एक को पकड़वाया भी है? हाँ जी, पता नहीं, अब देखो मेरे को तो पता नहीं, पकड़वा कह रहे, एक को पकड़ा हुआ है, मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं कह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। फिर भी हमने उसको टाइम दिखा के समय सारणी में भी हमारा टाइम है, गाड़ी तो हमने लगा ली, लेकिन गाड़ी ग्रोथ उसकी बंद नहीं हुई जी एक सेकंड के लिए भी। मैं बस चलाने लगा, जब भी वो अपना उसके कनेक्टर को बोला भी, मैंने बंदे बुला लिए जैजिंग पर, मैं इनको संद नहीं पकड़ने दूंगा, मतलब ये बंस के नहीं जाएंगे आज दोनों बंदे कनेक्टर। और हमारी बस में चढ़ने लगा, जैसे मैं दो पाए दिन चढ़ गया बस में बस चलाने के लिए, फिर मेरे को उसने पीछे घाच लिया, मतलब गंदा बोला और पीछे घाच लिया, अच्छापाई करी मेरे साथ जो भी है। तो सर मान लो भरी वो बस भी मेरे को देख रही भाई कौन गया कि उन्हें सवारी भी सारी, मतलब बंदे ने दारू पी रखी थी दोनों तीनों स्टाफ, उसके बाद में बस लेके चल दिया। ये कन्फर्म है आपको नशे में है सर? तो क्या चाहेंगे अब आप? क्या चाहेंगे अब आप? आपका नाम? राजवीर। तो मीटिंग कल भी ऐसे ही होया, कल तो मैं बरिंदर दोनों थे यहाँ, हमने बस बचाव कर दिया आपस में, तो आज हमारे कंडक्टर ड्राइवर ही ना तीन चार जने तो गुंडे ले रखे थे ना। तो ये प्राइवेट बस वाले हैं? हाँ, प्राइवेट। कहाँ से कहाँ रूट पे लगाते हैं? ये संद है और करनाल था संद। तो मनमानी क्यों करते हैं ऐसी? धक्का कर रहे हैं तो मारपीट भी करिए। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा गेट बंद करेंगे, एक भी गाड़ी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ये सभी यूनियन का फैसला है, क्या करेंगे इसमें जी? सारे पीटेंगे फिर तो इस तरह, सभी का फैसला। ये आपस की आपकी प्राइवेट बस या हरियाणा रोडवेज की लड़ाई है, या कहीं ना कहीं हकीकत में जो मारपीट की उसको लेकर पूछना जरूर है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, इन्हें धक्का करा, ये पहले भी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं? कुछ कैमरे लग रहे हैं वहाँ, कल का भी देख लियो, कल का भी ऐसे ही करे थे टाइम पे थे हम, कल हम बच बचाओ कर गया था, आज नहीं थे, आज ये पीट दिए। प्राप्त हुई है राजवीर सिंह और एप्लीकेशन हमने ले ली है, और जो भी इनकी ग्रीवेंसीज है उसके FIR दर्ज करके और बंदे रहे। नहीं, अब हिरासत में ले लिया आपने? नहीं, अभी आया है, इन्होंने पकड़ के दिया बंदा, वो ड्रिंक कर रहा है, इनका कहना है कि मैं ड्रिंक करा है, तो अभी उसका मेडिकल करवाने के लिए ठीक है। नहीं, शुरुआती जांच में देखने में लग रहा है नशे में है वो? नहीं, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो डॉक्टर बताएंगे। तो क्या कार्रवाई कीजिएगी सर? बस अभी FIR दर्ज करके और मेडिकल करवाने जाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने कल भी जो इस तरह की मारपीट किया और कार्रवाई नहीं होती तो चक्का जाम की जो है चेतावनी दे रहे हैं। चक्का जाम अगर होगा तो अपील है, अभी उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी है, उसके ऊपर FIR दर्ज करी जाएगी और इंक्वायरी करके जिसकी भी अरेस्ट बनती है अरेस्ट। तो प्राइवेट बस वाला है जो नशे में है? हाँ जी, ये बता रहे हैं वो। हाँ, वो प्राइवेट बस का। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।